स्टडी नेटवर्क में आपका स्वागत है। और आज आप यहां देख रहे हैं कि मैं एमबी बुक का वर्ड मीनिंग याद करने का तरीका बता रहा हूं। अतः आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग को याद कर सकते हैं, वो भी ट्रिकी माध्यम से। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एल्योर 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 मतलब होता है आकर्षित करना, इंटाइस। एल्योर ल्योर आपका हो गया आकर्षित करना, आकर्षित करने का ल्योर। ऑल योर ऑल मतलब सभी लोग क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं किसी को, एंटाइस कर रहे हैं। एक्सटॉल एक्सटॉल मतलब होता है प्रशंसा करना, एक्सटॉल को आप यहाँ याद कर सकते हैं। एक्सटॉल टॉल मतलब ताली बजाना, एक्सटॉल। तो ताली किस लिए बजाया जाता है, प्रशंसा करने के लिए। एलिसिट एलिसिट मतलब होता है किसी से कोई जानकारी उगलवाना, एलिसिट किसी से कोई जानकारी उगलवाना। यहाँ पे आप याद कर सकते हैं एलिसिट एलिसिट को सिट। एक पुलिस जो है एक अपराधी को एक टेबल पे बैठाया हुआ है एक रूल लेकर के, डंडे को लेकर के, और उसको उसको जो है उसके पैर पर पूरा पीट रहा है, उसके पीठ पर पूरा पीट रहा है, किस लिए बिठा करके। एलिसिट सिट सिट बैठने वाला सीट पे, तो बैठा करके कोई जानकारी उगलवाने के लिए बेचारा उसको पूरा पीट रहा है। एलिसिट मतलब हो गया किसी से कोई जानकारी उगलवाना। कॉन्डोन कॉन्डोन आप किसी बुरी चीज़ को अनदेखा करके समर्थन करना। कॉन्डन कॉन्डोन कॉन्डोम कॉन्डोम पता है किसी बुरी चीज़ को अनदेखा करके समर्थन करना, कॉन्डोन। एनालॉजी एनालॉजी समानता, एनालॉग से बना है एनालॉजी, समानता। प्रैग्मैटिक प्रैग्मैटिक मतलब होता है व्यवहारिक, प्रैग्मैटिक प्रैग्मैटिक हो गया आपका व्यवहारिक। वेग वेग हो गया ओ अस्पष्ट। वेग को आप याद कर सकते हैं जब ट्रेन बहुत ज़्यादा स्पीड में हो तो वेग हो, वेग उसका जो है बहुत ज़्यादा हो वेग। तो जब कोई चीज़ को हम खिड़की से झांकते हैं बाहर तो बहुत ही अस्पष्ट रूप से कोई भी चीज़ बाहर की चीज़ दिखती है, तो वेग हो गया ओ अस्पष्ट। फैब्रिकेट फैब्रिकेट मतलब होता है बनाना, फैब्रिकेट। केट मतलब हो गया बिल्ली, केट को आप केट केट मतलब बिल्ली। फैब्री एक फैब्रिक एक ग्लू आती है, फैब्रिक ग्लू मतलब एक चिपकाने के लिए आती है। तो केट कागज़ का जो बनाया जा रहा है बनाना, केट को बनाना, तो फैब्री जो है फैब्रिक ग्लू वो हमारा जो है हमारी मदद करती है बनाने में, उसे कैट को बनाने में, ठीक है। अनअर्थ खोज निकालना, अनअर्थ ने किसी व्यक्ति को बोला गया अरे अनर्थ कर दिया, वो एकदम अनर्थ कर दिया। अनर्थ क्या कर दिया, अरे भाई एकदम खोज करके निकाल दिया, अनर्थ कर दिया। अर्थ अन अर्थ पृथ्वी को खोज दिया, अनर्थ कर दिया, खोज निकालना, ठीक है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि रेनोवेट रेनोवेशन पुनर्निर्माण करना, रेनोवेट रेनोवेशन। ग्रीगेरियस ग्रीगेरियस हो गया सामाजिक मिलनसार, सामाजिक मिलनसार। ग्रीगेरियस सॉलिटरी सॉलिटरी अकेला, ये पता ही ये होगा। स्टारवेशन स्टारवेशन मतलब हो गया भूखमरी, स्टारवेशन स्टारवेशन स्टारवेशन, ठीक है। भूखमरी भूखमरी लोग जो होते हैं ना बेचारे, वो स्टार को देख देख के ही जो है देख देख के जो है अपना भूख को मिटाते हैं, स्टारवेशन भूखमरी। एंड एंड मतलब हो गया स्वार्थ, एंड मतलब समाप्ति भी होता है, एंड मतलब स्वार्थ भी हो गया। एराउज एराउज मतलब होता है राइज को मतलब भड़काने को और बढ़ाना, राउज को एराउज को राइज कर दीजिए, भड़काना को बढ़ाइए, ठीक है ना। एराउज हो गया भड़काना। स्टनिंग टनिंग टनिंग स्टनिंग स्टनिंग मतलब हो गया आकर्षित करना। ट्यूनिंग 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 नहीं करते हैं, जब ट्यूनिंग बजेगा तो आकर्षक होगा ही, आकर्षण बनेगा ही, वही हो गया स्टनिंग मतलब आकर्षक। थ्रो आउट थ्रो आउट मतलब हो गया चारों तरफ, थ्रू थ्रू आउट चारों तरफ बाहर बाहरी बाहर, तो चारों तरफ हो गया। फ्लैश फ्लैश मतलब चमकाना, किसी कैमरे से फ्लैश लाइट देते हैं, किसी कैमरे से फ्लैश लाइट देते हैं, तो किस लिए देते हैं फ्लैश, तो चमकाने के लिए, चमकाना हो गया फ्लैश। कैविटी कैविटी मतलब हो गया
नहीं बोलते हैं कैविटी, दांतों की जो कैविटी है ना, तो है वो कंदरा। कंदरा कैविटी मतलब कंदरा, अप साइड डाउन, ऊपरी भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर, अप साइड। ऊपर का साइड जो है नीचे, नीचे का साइड ऊपर, अप साइड, अप साइड डाउन, ऊपर का चीज नीचे और नीचे का चीज ऊपर, वही ऊपरी भाग, ऊपरी भाग नीचे और नीचे भी भाग ऊपर। ब्रीड, ब्रीड हो गया बच्चे पैदा करना, ब्रीड मतलब हो गया, ब्रीड मतलब हो गया बच्चे पैदा करना, ब्रीड। ठीक है दोस्तों, मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।